जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? मतलब ये डॉक्टर की गाय तैयार होती है तो परवाने में हवा भर जाती है बहुत ज्यादा, जब आगे नाक तक चली जाती है, बल्कि कई दफा तो आगे वो कोली तक पहुंच जाती है, और ये 10-15 दिन रहती है तकरीबन, जिससे जानवर तंग बहुत रहता है। तो ऐसे कोई ऐसी कोई इल्जमात कदम के तौर पे कोई चीज है, कभी है तैयार है गाय, उसका भी हो रहा है, या कोई इसकी सियासी तदबीर है, कोई कोई इसका इलाज डॉक्टर? ये मेरी जान, ख़ास तौर पे जब डिलीवरी के करीब आती हैं ना, तो उस वक्त ये ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं। हाँ, पहले नहीं होते, उस वक्त होते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन आप प्लीज़, आपके लिए रेपिटेशन है, देसी करें उसका। ये ले लें, दड़ा मिर्च होती है ना, दड़ा मिर्च ले लें, आधा पाव दड़ा मिर्च ले लें, और उसमें आप इस तरह करें, उसको पानी, एक लीटर पानी में अच्छी तरह बॉयल करें, और उसमें फिर आप कोई कुकिंग ऑयल मिल जाए, ठीक है, वो डाल लें, कोई आधा पाव पाव डाल लें बेशक, ठीक है, वो डाल के ये इसको नल के जरिए नीम गरम हो तो ये पिला दें। कितने दिन डॉक्टर? ये 3 दिन। ये तो उसका एक दिन का है या इसको 3 दिन का? ये एक दिन का है, और इसी तरह, हाँ जी, अब एक तो ये इस, ये हवा जो भर जाती है, और ये इस तरह के सिम्टम्स जो आते हैं, ये बड़े गुज्जर, बड़े पुराने गुज्जर ये वो तरीका ये अडॉप्ट करते थे, और उनसे ये अफाका हो जाता था। एक और है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ, वो है कि काली जीरी ले लें, एक छटांक काली जीरी ले लें, और एक पाव देसी घी ले लें, हाँ उसका तड़का, हाँ उसका तड़का लगा के, वो भी नीम गरम हो तो वो पिला दें उसको। आजकल ड्रेंचर आया हुआ है, बेहतर है कि नल के जरिए ना पिलाएं, ड्रेंचर के जरिए दें, ताकि वो वेरी गुड, वेरी गुड, मेरी बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। असल में ये है कि बेलौस खिदमत जो होती है वो इंसानियत की मेराज होती है, ठीक है ना? तो ये, हाँ जी, दुआओं में, बस दुआओं में, दुआओं में याद रखें। जी मेरा जहन ये है कि मालिक वो 15 ना ले, मालिक उसे 10 या 12 ले, 3 और रिटर्न वापस कर दे जानवर को। अल्लाह, उसको कपड़े जूते तो लेके नहीं देने, उसको फ्राक लेके देनी है। मैं देंगे उसको तो वो अगली दफा 15 नहीं हुए वो 18,000 वापस करेंगे। बिल्कुल सही, हाँ जी, बच्चे भी अच्छे होंगे और पैदावार भी कम तक जाएगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और उनको जो बैलेंस्ड डाइट है ना, मतवाजन खुराक, वो देनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरे जो जितने भी फार्मूले हैं वो आप अपनी देख लें, जो आपके पास अवेलेबल हैं उनमें जितने अज्जा वो अगर मिल जाएं तो वो डालें, और उनको मतवाजन जब खुराक देंगे ना, जिस तरह आप अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं, और या अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनकी भी सेहत का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स बहुत अच्छे, वो रिटर्न बड़ा अच्छा देती है। ये बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और इन पे भी खर्च करना चाहिए जितना वो खर्च टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, टाइम पे खाती
بالکل متوازن خوراک اسی لیے میں کہتا ہوں نا تاکہ ان میں قوت مدافعت زیادہ ہو جاتی ہے, ریزسٹنس پار زیادہ آتی ہے, اور یعنی جتنی بھی بیماریوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت بڑھتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, پروڈکشن آپ کے لیے وہ زیادہ کرتی ہیں, دودھ بھی زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, گوشت جن سے حاصل کرنا ہے ان سے زیادہ گوشت ملتا ہے, تو یہ مالک کو ہی فائدہ ہے نا, تو مالک کو میں بالکل ایگری کرتا ہوں, زیادہ سے زیادہ ان کی کا خیال رکھنا چاہیے, سارا اپنی جیب میں ڈالنے کی بجائے ان پہ بھی لگانا چاہیے. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ویری گڈ. لیکن ابھی ہاں, لیکن ابھی بہت سارے لوگوں نے یہ مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بغیر شیرہ کے ونڈا اس کے فارمولے دیں, تو پہلے میں نے بکریوں کا دیا, پھر بکریوں کے بچوں کا دیا, پھر کٹڑے بچھڑے ان کو فربا کرنے کے لیے بغیر شیرہ کے ونڈا کا دیا, ابھی میں نے دیا ہے وہ ایک صدرن پنجاب سے ہیں, ایک فوٹا باز سے, ان کے لیے میں نے خشک جانوروں کو, گائیں بھینسوں کو بغیر شیرہ کے, اسی طرح دودھ دینے والوں کے لیے بھی بغیر شیرہ کے وہ بھی ونڈے کے فارمولے وہ دیے, اور اس ان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. ابھی اور بڑی آمین آمین, اللہ تعالیٰ بس دعاؤں میں یاد رکھیں, چونکہ ابھی کالیں اور بہت ساری آ رہی ہیں, اس لیے سوری سوری میں آپ سے جا چاہوں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, اللہ حافظ, دعائیں دیا, دعاؤں میں اللہ حافظ.